हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन हाइड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपको हाइड करने हैं, सबसे छुपा के रखने होते हैं, किसी को शो नहीं करने हैं, कोई गेम वगैरह हो तो उन्हें कैसे हाइड कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। आज वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है प्राइवेसी, प्राइवेसी पे जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है हाइड ऐप्स, हाइड ऐप्स पे क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ से अपने अगर अपने एप्लीकेशन पहले कभी लॉक किए होंगे तो आपने जो भी पासवर्ड डाल रखा हो वो डाल रखें। अगर आप यहाँ पहली बार जाएंगे तो अपना पासवर्ड अपने हिसाब से आप कोई भी अपना सेट कर सकते हैं। तो हमने अपना अपना ओल्ड पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद आपके सारे एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो एप्लीकेशन आपको हाइड करने उन्हें आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जैसे हम लिंक्डइन को हाइड कर देते हैं, जो से एप्लीकेशन को हाइड कर देते हैं, यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर मौज को हाइड कर देते हैं, अपने फ़ोन के अंदर हम जो भी आपको एप्लीकेशन हाइड करने हैं वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। प्राइम वीडियो को हमने हाइड कर दिया। और एप्लीकेशन ले लेते हैं, जैसे अपने फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम को हाइड करने वाले हैं, यहाँ से देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोन, जैसे हम क्रोम ब्राउज़र को हाइड कर देते हैं। इन्हें हाइड करने के बाद आपको क्या करना है, दो डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे अपने फ़ोन की। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है चेंज एक्सेस कोड, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ से आपको कोई भी अपना एक एक्सेस कोड सेट कर लेना है, चार अंकों का, जो कि आपका हैश से शुरू होगा और हैश से ही एंड होगा। तो हम कोई भी सेट कर लेते हैं अपना हैश, यहाँ से हम अपना सेट कर लेते हैं ओके, और हैज़ यहाँ से नंबर कर दिए 2684 हैज़ ओके कर देंगे। 5 सेकंड आपको वेट कर लेना है, फिर डन करने का ऑप्शन मिल जाता है योर एक्सेस कोड हैड, जैसे आपको डोंट फॉरगेट, इसे आपको भूलना नहीं है, ओके कर दें। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब हम बैक आ जाते हैं, जो एप्लीकेशन आपने हाइड किए हैं वो आपको अपनी होम स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे ही देख सकते हैं आपने जो एप्लीकेशन हाइड किए हैं वो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं अपने फ़ोन के अंदर, क्रोम ब्राउज़र वगैरह। अगर आपको उन्हें यूज़ करना हो तो कैसे कर सकते हैं, एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, तो उन्हें एक्सेस करने के लिए डायलर में जाएंगे। डायलर में आ जाने के बाद यहाँ से आपको कोई ऐड नंबर हैज़ जो भी आपने कोड सेट किया था उसे आपको एंटर करेंगे, फिर से हैज़ करेंगे और आपको जो एप्लीकेशन आपने ऐड किए थे वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाते हैं। जो एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।